हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लीज। ऑल एग्जाम प्लीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित खेरा, आपके लिए फिर से वीडियो लेके आया हूं। एमपी पुलिस के लिए मैथ्स को कैसे पढ़ें, कैसे तैयार करें मैथ्स, क्योंकि बहुत बच्चों का कल के बाद मुझे कमेंट आए, मैसेज आए, कॉल आया कि सर आप मैथ्स पे भी वीडियो बनाइए। इसलिए वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। जो लोग रीजनिंग जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जिन्हें जानना है कि रीजनिंग कैसे पढ़ें तो लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स कैसे पढ़ें। तो पहली तो तीन चीज मैं आपको बताऊंगा, पहला टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं और टॉपिक भी ऑर्डर के हिसाब से रखे मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे ऊपर है और सबसे कम इंपॉर्टेंट नीचे है, फिर बुक्स, फिर कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों टॉपिक की बात। टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं वो है सिंप्लीफिकेशन। अभी तक व्यापम में 5 साल के अंदर 500 प्लस क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे, 500 प्लस क्वेश्चन। दूसरा टॉपिक है 480 क्वेश्चन के साथ प्रतिशतता परसेंटेज। तीसरा टॉपिक प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, लगभग 450 प्लस क्वेश्चन है 5 साल के अंदर इससे। अनुपात रेशियो, फिर एज आयु पे आधारित प्रश्न, 350 प्रश्न से ज्यादा आ चुके हैं अभी तक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टाइम एंड वर्क, 324 या 335 प्रश्न आए हुए हैं 5 साल के अंदर समय और कार्य से। फिर इसी का सपोर्टिंग है, अगर ये पढ़ेंगे तो ये अपने आप बन जाएगा पाइप और सिस्टम, नल और टंकी। फिर आता है एवरेज, 350 प्रश्न आ चुके हैं औसत से। फिर प्रायिकता, बहुत बच्चों को दिक्कत जाती है, क्रमचय संचय परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये दोनों साथ में आपको दे रहे हैं 220 प्लस क्वेश्चन टोटल, मिनिमम 220 प्लस क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस, इसके अंदर रेलगाड़ी वाला पार्ट भी आ जाएगा, रेलगाड़ी और दूरी वाला, इससे आपको पढ़ना है। नाव धारा, उतने प्रश्न नहीं आए। डीआई, बच्चे बोलते हैं डीआई छोड़ दें, लेकिन बेसिक पढ़ लोगे ना दोस्तों बेसिक, तो आपके इनकेस 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल गए तो आप बना लोगे। कम क्वेश्चन आए हैं लेकिन बहुत इजी टॉपिक है डीआई, बेसिक पढ़ लीजिएगा मेरे वीडियो से। नंबर सीरीज, सांख्यिकी, अब देखो ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चे छोड़ देते हैं लेकिन इससे लगभग 80 प्लस क्वेश्चन आए हैं अभी 5 साल के अंदर, तो ये छोड़ना नहीं। 3-4 फॉर्मूले बेस होता है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, वो देख लीजिएगा। मिक्सचर रेशियो पढ़ लिया है ना, 90% यहां पर हो जाता है, 10% जो क्वेश्चन है वो मिक्सचर के, तो वो मिक्सचर एलिगेशन से हो जाएगा। फिर पार्टनरशिप, सेम रेशियो पढ़ लिया है तो आप पार्टनरशिप भी बना सकते हैं, 10 क्वेश्चन आए मात्र अभी तक। और लास्ट में लॉग, बेसिक है लॉग, लघु गणक, बेसिक क्वेश्चन आए फॉर्मूले पे बेस, ठीक है। तो ये हुआ हमारा अर्थमेटिक की बात। अब मैं बात करूंगा एडवांस के कौन से चैप्टर पढ़ने, ये क्या था अर्थमेटिक था, एडवांस के चैप्टर देखते। तो अब हम देखते हैं एडवांस के टॉपिक जो आपको एडवांस मैथ्स में पढ़ना है। सबसे पहले नंबर सिस्टम, लगभग 714 क्वेश्चन आए 5 साल में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम। इसके बाद एरिया वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर है, क्षेत्रमिति जिसे हम कहते हैं, 2D एंड 3D दोनों आ जाएंगी इसमें, लगभग 350 प्लस क्वेश्चन आए, 400 प्लस क्वेश्चन आए इसमें। फिर आती है ज्यामिति, ज्यामिति उतना नहीं पढ़ना है आपको, केवल बेसिक आना चाहिए दोस्तों, डिटेल में मत जाना है, घुसना नहीं है डिटेल में, ना कि क्षेत्रफल और आयतन में भी, बेसिक पढ़ना है केवल। नंबर सिस्टम डिटेल में पढ़ना आपको, नंबर सिस्टम को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छे खासे क्वेश्चन है बट उतने नहीं मिलेंगे आपको, 130-140 क्वेश्चन करीब आए हैं इससे बस, तो उतना टेंशन नहीं लेना, ऊपर ऊपर देखना है इसको, बेसिक देखना है केवल बेसिक। एलजेब्रा, इससे भी करीब 350 क्वेश्चन आए करीब, इसमें आपको बेसिक चीजें पढ़नी है, जैसे द्विघात समीकरण कैसे मूल निकालते हैं, मूलों की प्रकृति क्या होती है, छोटे मोटे भागफल वाले क्वेश्चन, भागफल निकालना, शेषफल निकालना, रिमाइंडर थ्योरम, तो वो बेसिक बेसिक चीजें हैं, डिटेल में नहीं जाना है इसमें अपने को एमपी पुलिस के लिए। और लास्ट टॉपिक है एससीएफ और एलसीएम, ये इससे आपको 90 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये मैं पूरा आपको सीरीज बाय सीरीज कवर करवाऊंगा। और जो बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूं, 10:30 बजे से लाइव क्लास डेली चलेगी अब, ठीक है, मॉर्निंग में 10:30 बजे से, तो 1.5 घंटे की 1 घंटे की लाइव क्लास रहेगी, आप वहां पे भी अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं लाइव में। तो ये तो बात हो गई दोस्तों किसकी, टॉपिक की, कि सर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको लिस्ट वाइज बता दिया है। अब मैं बात करता हूं बुक्स की, बुक्स देख, चलिए दोस्तों अब बुक्स देखते हैं हम, इसमें किताबें
पहले तो वो बच्चे जिनका बिल्कुल ही गणित कमजोर है, तो आप एक काम कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करें और इसको पढ़ें, जिनका बिल्कुल ही खत्म है, और जिनका अच्छा है तो वो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएं और लगाना चालू करें, प्रीवियस ईयर के पेपर। तीसरा, मेरे वीडियो देखें। चौथा, मेरी शीट बना सकते हैं आप, प्रैक्टिस शीट, टॉपिक वाइज शीट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, टॉपिक वाइज शीट, ठीक है। ये चीज आप इतना प्रेफर करें। और भी ज्यादा जाना है कि नहीं सर मुझे और डिटेल में जाना है, तो एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लें, कोई भी ऑथर का ले सकते हैं, बहुत सारे ऑथर आते हैं, उनमें से किसी का भी आप प्रीवियस ईयर का उठा लें। तो ये तो हो गया कि सर कैसे पढ़ना है, और जो बच्चे बिल्कुल कमजोर है ना, तो एनसीईआरटी से शुरू करें। क्योंकि अपने को दोस्तों एक चीज मैं बता देता हूं, कई टीचर आपको ट्रिक से पढ़ाएंगे, मत जाओ दोस्तों, कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एमपी पुलिस में आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। मैं आपको जो मैथ्स पढ़ाता हूं उसमें आपको मैं समझाता हूं, रटवाता नहीं हूं, याद रखिएगा, समझना है रटना नहीं है। समझ गए, कोई भी क्वेश्चन बना लोगे, रट लिया कोई क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो जो सेटिंग होती है कुछ क्वेश्चन की, वो केवल उसी क्वेश्चन पे लगती है। इसलिए आप सीखें, एनसीईआरटी से सीखें। मैं आपको गलत जानकारी नहीं दूंगा, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अगर आपको एमपी पुलिस निकालना है, बिल्कुल बेसिक खत्म है, ट्रिक नहीं समझ में आती है, एनसीईआरटी उठाओ, बिल्कुल बेसिक मेथड से करो, कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद फिर आप कुछ करोगे। तो ये बात हो गई कि कैसे पढ़ना है। कम से कम दिन में 2 घंटे मिनिमम, इतना आपको 2 घंटे देना ही देना है, मिनिमम 2 घंटे। हर टॉपिक के कम आपको 150+ क्वेश्चन लगाने हैं। 150 से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, टफ क्वेश्चन आता है, नहीं कर पाओगे, उसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। 150 क्वेश्चन कम से कम एक टॉपिक के। तो ये हुई बात हमारी कैसे पढ़ना है। मेरे ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैसे पढ़ना है। जाते जाते 2 लाइन कहूंगा दोस्तों, 2 लाइन सुनिएगा ध्यान से, ये काफी हेल्पफुल रहेगी आपके जीवन में, कि मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, बट उनमें से बाहर निकल जाना, पर उनमें से बाहर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो मुश्किल आते रहेंगी, आपको बस आगे बढ़ते जाना है। होपफुली वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों से, पड़ोसी से, पड़ोसी के पड़ोसी से, अपनी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, जो भी है सबसे शेयर कर दीजिएगा। साथ में आप लोग जो नए हैं, अभी आए हैं चैनल पे, वीडियो देख के नीचे लाल बटन दिख रहा होगा उसे दबाएं, बाजू में घंटी दिख रही होगी उसे भी मंदिर में जाने से पहले बजाएं, ताकि मेरे वीडियो की अपडेट मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका रोहित खेरा, जय हिंद जय भारत।